आज मैंने घोषणा की है कि इस मकान के साथ हमारे पड़ोस में भी मेरे चाचा जी के बेटे का एक मकान है, वो सब मिला करके और लगभग 200 गज का ये मकान आज मैंने गांव को सपोर्ट कर दिया है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे बात कर रहा हूं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के किरदार के बारे में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जब 2014 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो उनका पहली बार मुख्यमंत्री बनने पर हरियाणा के पंजाबी समाज ने एक स्वागत कार्यक्रम किया था। मुख्यमंत्री का वो पहला स्वागत कार्यक्रम जो पंचनद स्मारक समिति के संयोजन में उसके बैनर तले हुआ था, जिसके अंदर की मंच पर जहां मुख्यमंत्री मौजूद थे, हरियाणा प्रदेश के कई बड़े पंजाबी नेता मौजूद थे और उनके साथ साथ मौजूद थे संत महात्मा भी। बात चल पड़ी थी कि पंचनद स्मारक समिति को कुछ डोनेशन दिया जाए, दान दिया जाए। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह कहा था कि मैं सरकारी धन के से देने की बजाय जो मेरा निजी कमाई है या मुझे पैतृक मिली हुई है, मैं वहां से समाज के हित के इस कार्य के लिए देना चाहूंगा। और उस समय मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 2 लाख रुपए की राशि हरियाणा पंचनद स्मारक समिति को दी थी और इसके साथ साथ कुछ जमीन का टुकड़ा भी देने की घोषणा की थी जो उनके हिस्से में उनकी पारिवारिक संपत्ति से आना था। आज इस बात का जिक्र इसलिए कि आज से लगभग 1 सप्ताह पहले एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसको हमने भी आपको दिखाया था कि हरियाणा के करोड़पति विधायक गोपाल कांडा ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से कहा कि क्योंकि सत्ता से सबको एक दिन जाना होता है, कोई ऐसा समय आएगा कि जब आपको हरियाणा की राजनीति से या सत्ता से दूर होना होगा, तो उस समय के लिए आपके लिए मैं एक कहीं फार्म हाउस बनवा कर देना चाहता हूं। गोपाल कांडा अपने सिरसा निवास पर, अपने सिरसा कार्यालय पर कुछ अखबार नवीसों, खबर नवीसों से बातचीत में ये बता रहे थे। और उस समय गोपाल कांडा ने कहा था कि मनोहर लाल ने ये कहा कि साथ कुछ लेकर जाना नहीं है, जब जाएंगे तो फिर बची हुई संपत्ति के लिए भाई भतीजे परिवार झगड़ा करेगा। मैंने तो ये भी सोचा हुआ है कि जाने से पहले ही, क्योंकि सनातन सत्य है कि नश्वर शरीर छोड़कर सबको जाना है। तो मनोहर लाल ने उस समय कहा था, जो गोपाल कांडा की वानगी थी, कि मैं तो जाने से पहले ही अपनी संपत्ति, जो मेरे नाम की संपत्ति होगी, उसको प्रधानमंत्री कोष में दे दूंगा। लेकिन उससे बढ़कर आज यानी कि सोमवार को एक नया, एक मुख्यमंत्री मनोहर लाल का एक रूप, एक चेहरा, एक उनका आप ये कहें कि काम करने का तरीका भी कह सकते हैं उसको, और या उसको कह सकते हैं, क्योंकि जो लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या RSS के बारे में जानते हैं, जो लोग सनातन संस्कृति के बारे में जानते हैं, वहाँ ये कहा जाता है कि तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, जी चाहता है कि माँ भारती तुझे कुछ और भी दूँ। तो उसी की पालना करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे थे अपने गांव बलियाली में, रोहतक क्षेत्र का, रोहतक जिले का गांव बलियाली, वो गांव जो कि आज भी पंजाबी बाहुल्य माना जाता है। अपने गांव में गए मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गांव में जा करके अपना और अपने चचेरे भाई का, उनका जो पैतृक मकान है लगभग 200 गज का, और उस मकान को गांव की पंचायत को, गांव की सरदारी को देने की घोषणा कर दी। पहले आप सुनिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद भी कह रहे हैं। बहुत सौभाग्य है कि आज मैं अपने गांव में आया हूं और ये गांव मेरे लिए बहुत ही दर्शनीय है, मेरे लिए बहुत, एक प्रकार से क्योंकि मेरा बचपन यहाँ बीता है, मेरी पढ़ाई यहाँ हुई, माता पिता की जो निशानी कुर्बानी है जो उन्होंने मुझे मेरे नाम किया था, मुझे लगा है कि ये गांव के काम आना चाहिए। आज मैंने घोषणा की है कि इस मकान के साथ हमारे पड़ोस में भी मेरे चाचा जी के बेटे का एक मकान है, वो सब मिला करके और लगभग 200 गज का ये मकान आज मैंने गांव को सपोर्ट कर दिया है, ताकि गांव के लोग यहाँ आगे आने वाले पीढ़ी के लिए, बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए पढ़ाई के नाते से उनकी एक लाइब्रेरी की व्यवस्था हो जाए, ई लाइब्रेरी की स्थापना करेंगे और भी इसका जो उपयोग गांव के लोग करना चाहेंगे कमेटी बना करके वो करेंगे। इसलिए आज इस घोषणा को करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता। बिल्कुल, 2024 के चुनाव को लेकर तैयारियां सभी कर ली आप लोगों ने? आज मुझे अपने गाँव की जनता करनी है, बाकी सब जनता बात बताए। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने गांव में जाकर कहा कि इस गांव से बड़ी यादें जुड़ी हैं, यहां बचपन बीता है और उसी बलियाली में रह करके आज मनोहर लाल उस मुकाम तक हैं जहां पर पहुंचने के लिए शायद राजनीति में आने वाला हर व्यक्ति सोचता हो कि सत्ता की सूबे के उस
परचम को लहराने के लिए या सत्ता की राजनीति की सत्ता की दहलीज तक वो व्यक्ति पहुंच जाए, लेकिन कुछ भाग्यशाली लोग हुआ करते हैं कि जो सत्ता के या राजनीति के इस मुकाम तक पहुंचे जबकि उनको सेवा का मौका मिले। तो बलियाली से अपनी यादें जोड़ते हुए मनोहर लाल ने कहा कि बलियाली के साथ मेरा बचपन बीता है, बलियाली से यादें जुड़ी हैं, और अपने चचेरे भाई के लगभग 200 गज के मकान को गांव को दान देने की घोषणा करते हुए कहा कि इस मकान के अंदर इस स्थान का उपयोग किया जाए, इस पे लाइब्रेरी खोली जाए, ई लाइब्रेरी बने जिसमें बच्चे पढ़ करके देश का बेहतर भविष्य बना सकें। सोच के साथ, तो अगर जिसके सोच के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल कहते हैं तो फिर उस सोच के बारे में आम जन की दिमाग के अंदर सवाल जरूर उठेंगे कि वाकई अगर मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि साथ कुछ लेकर जाना नहीं है तो बाद के लिए क्यों छोड़ा जाए, क्यों ना साथ साथ दे दिया जाए, और फिर वो संस्कृति वो सभ्यता जहां पर कि सीखा गया हो कि तन समर्पित मन समर्पित। मान लीजिए कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक नज़ीर पेश कर दी और बता दिया कि जो गोपाल कांडा कह रहे थे शायद वो ऐवे ही नहीं कह रहे थे। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि गोपाल कांडा नेता तो हैं, विधायक तो हैं, गोपाल कांडा व्यापारी पहले हैं, और वो खुद कह भी रहे थे कि मैं व्यापारी हूं और व्यापारी तो हर बात को व्यापारिक सोच के साथ करता है, लेकिन जिस व्यक्ति की जड़ें जमीन के साथ जुड़ी हुई हों, जिस नेता ने ये सोच लिया हो कि अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना है, तो फिर उसके लिए जमीन जायदाद कोठी बंगले मायने नहीं रखते, और उसके लिए मायने ये भी नहीं रखता कि आखिर जब वो अपने नश्वर शरीर को छोड़ रहा होगा तो फिर उस समय के हालात क्या होंगे। और उसको देखते हुए आप मान सकते हैं कि मनोहर लाल ने अपने पैतृक जो उनको पारिवारिक जमीन विरासत मिली थी वो विरासत भी गांव को सौंप दी। भले ही इसके पीछे भी कुछ लोग सोच सकते हो कि ये राजनीति हो सकती है, लेकिन हर पहलू के पीछे, हर बात के पीछे अगर राजनीतिक सोच मान ली जाएगी तो फिर वहां सोच रुक जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संदेश दे दिया कि उस उनके जो पैतृक मकान हैं उसके अंदर गांव के बच्चे पढ़ लिख कर अगर देश का भविष्य बनेंगे तो मान लीजिए पढ़ा लिखा और शिक्षित युवा जब देश का भविष्य होगा तो देश का भविष्य यानी कि जो हमारे भारतवर्ष की महान सभ्यता का भविष्य वाकई ही किसी और सोपान पर पहुंचेगा। आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जो ये घोषणा की क्या इसके पीछे भी कोई राजनीति है? और आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सोच के पीछे अगर कुछ लोग और सोच निकालते हैं तो फिर उस सोच को क्या कहा जा सकता है? कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना।